तुझे गई जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति विनोद विनोद चल ने पूरी लगन और मेहनत के साथ साथ ही इतने भव्य गणेश जी की झांकी तैयार की है और उतने ही अच्छे कल्चरल कार्यक्रम तैयार किए हैं, इसके लिए उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो संस्कृति है उसका प्रारंभ भी हम लिखते हैं तो श्री गणेशाय नमः से होता है, पढ़ना शुरू करते हैं तो श्री गणेशाय नमः से होता है। तो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार जो हैं वो गौरी गणेश के पूजन से ही प्रारंभ होते हैं। एक कहीं ना कहीं इस बात का भय होता है कि समय काल और परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण आपको इस चार दीवारी के अंदर आना पड़े, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर आकर हम अपने संस्कृति और संस्कार को ना भूल जाएं, इसके लिए शासन ने सभी जेल अधिकारी कर्मचारियों को कहा कि जितने भी तीज त्योहार हैं वो जेल के अंदर धूमधाम से मनाए जाए, जिससे हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए जागरूक रहें और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार जो है हमारे अंदर कहीं यदि दैदीप्यमान नहीं हो रहे हैं तो पुनः दैदीप्यमान हो जाए। और हम शासन का जो प्रयास है कि शासन किसी भी अपराधी से घृणा नहीं करती, सिर्फ अपराध से घृणा करती है और प्रयास अपराध को रोकने का है। और इसीलिए जैसा कि अभी नरगावे साहब ने बताया कि जेल प्रशासन के दायित्व ही शासन बदल रहा है, अभी तक जेल प्रशासन का प्रथम दायित्व था दंड का निष्पादन और अब दंड का निष्पादन समाप्त करके जो हम नया एक्ट लेकर आ रहे हैं उसमें जेल प्रशासन सुधारात्मक प्रशासन के नाम से जाना जाएगा। और जेल प्रशासन का प्रथम उत्तरदायित्व यह है कि हम ये मान रहे हैं कि समय काल और परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण कहीं न कहीं ऐसा नियत को मंजूर था कि हमसे कोई ऐसा काम हो गया जो समाज या राज्य के विरुद्ध था और जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह चार दीवारी के अंदर आना पड़ा। तो जो भी कहीं न कहीं कोई हमारी विकृति थी, आपराधिक प्रकृति थी, उसमें जेल प्रशासन का दायित्व यह है कि उसको पूरी तरह से समाप्त करे और समाप्त करने के बाद उसे पुनः समाज में उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित करे और वह अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में सहभागी बने। और उसी दिशा में अब जेल प्रशासन काम कर रहा है और आज का जो गणेश पंडाल है और आज का जो भव्य कार्यक्रम है यह भी उसी दिशा में। आदरणीय एडिशनल आईजी पांडे सर, मनोज हिमानी, मिस्टर हिमानी, हिमानी का पूरा परिवार, दुबे जी मेरे साथ रहे हैं भोपाल में, बहुत काम किया इन्होंने मेरे साथ, और पूरा जेल परिवार, पूरे बंदी साथीगण, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। जिला जेल के हिसाब से इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, सेंट्रल जेलों में तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, भागवत कथाएं भी होती है, संगीत की क्लासेस भी लगती हैं, लेकिन जिला जेल स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना वाकई में काबिले तारीफ है। और इसमें हिमानी और हिमानी की टीम और पूरे जेल कर्मचारी और आप सब बंदी लोग, क्योंकि आपके सहयोग से ही जो है ये सब हो पाता है, तो एक ये सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए कदम है। और आपको बता भी दें कि
दो तारीख से पहले नया जो एक्ट लागू हुआ है वो लागू होना था, शायद उसकी डेट आगे बढ़ जाए, और उस एक्ट का नाम ही अब जो है बदल दिया है। पहले जेलों का संचालन कारागार अधिनियम 1894 के तहत होता था, और अब जेलों का संचालन सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह अधिनियम 2024 के तहत होगा।